हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टेक्निकल शांतनु चैनल। आज हम गूगल एडसेंस की पर्सनल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करके दिखाएंगे, जो जो कि पिन एड्रेस जो घर पे आता है एडसेंस की $10 होने के बाद। जब आपकी चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद $10 आपके एडसेंस में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस व इसमें कोई भी तीन चार ऑप्शन रहता है। उसमें आप जब अपलोड करते हैं, जब आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद आपका फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए एक एडसेंस की जो पिन है वो आपके घर पे भेजा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये एडसेंस की पिन यहाँ पे बाई पोस्ट आ गया और ये 14 दिन से 1 महीने के अंदर आ जाता है। तो चलिए मैं इसे वेरिफिकेशन करके दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे मेरा एडसेंस अकाउंट खोल लिया और यहाँ पे देख सकते हैं मैं इस अकाउंट सेटिंग पे जाके आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे मैंने पेमेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हैं अब मेरा $10 कम्प्लीट हो गया। तो यहाँ से मैंने अकाउंट पर जाएंगे, अकाउंट की इंफॉर्मेशन पे, यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि शो एड्रेस वेरिफिकेशन, तो वेरीफाई एड्रेस ये ब्लू करके आ जाता है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे ये जो पिन जो है उसे एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो एडसेंस का जो एड्रेस जिस एड्रेस पे भेजा गया ऊपर में दिखा रहा है और यहाँ पे एंटर योर पिन 6 डिजिट का पिन है, यहाँ पे एंटर करने के लिए बोल रहा है। सिंपली मैं यहाँ पे पिन एड जो पिन मुझे भेजा गया है तो इस पिन को मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। यहाँ पे पिन एंटर कर दिया, अब मैं इसे सबमिट करूँगा। तो चलिए सबमिट पे क्लिक कर दिया और देखते हैं क्या होता है। फिर भी नहीं गया, यहाँ पे बोल रहा है कि योर अकाउंट पेमेंट इज़ होल्ड, तो प्लीज़ वेरीफाई योर एड्रेस। फिर तो मैं यहाँ पे और एक बार ट्राई करूँगा। ये पिन एंटर करने का टाइम 4 बार रहता है, मतलब तीन बार यहाँ पे शो हो रहा है यू हैव 3 अटेम्प्ट रिमिंग, मतलब और 3 बार करने के बाद अगर गलत हो गया तो ये बंद हो जाएगा, एड शो होना बंद हो जाएगा 1 महीने के लिए। फिर से मुझे और एक पिन आएगा, फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 बार के अंदर ये सही सही डालना पड़ेगा। यहाँ पे पता नहीं किस लिए मुझे ले नहीं रहा है, यहाँ पे रॉन्ग बोल रहा है, पर बिल्कुल सही सही डाल रहा हूँ। तो चलिए पेज को एक बार रिफ्रेश कर लिया यहाँ पे, बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मैंने पेज एकदम बिल्कुल रिफ्रेश कर लिया और यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन देख सकते कंप्लीट हो गया। मतलब जब आप पिन डालते हैं आप सोचते हैं कि वेरीफाई नहीं हुआ, तो उस टाइम पे आपको करना क्या है, इस पेज को आपको रिफ्रेश कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब ये पेमेंट एड्रेस जो पेमेंट मेथड जो है इसे ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि बैंक की, मतलब आपकी जो बैंक है बैंक का डिटेल्स यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे बेनिफिशियरी आईडी, अगर कोई बेनिफिशियरी आईडी है तो, उसके बाद नेम ऑन बैंक अकाउंट, मतलब बैंक में जो नाम है आपका, उसके बाद बैंक नेम जो जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उसके बाद यहाँ पे आईएफएससी कोड जो बैंक का आईएफएससी कोड होता है। और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका स्विप कोड, जो स्विप कोड होता है यहाँ पे स्विप कोड डालना होगा। उसके बाद अकाउंट नंबर, रीटाइप अकाउंट नंबर, मतलब दूसरी बार और एक बार अकाउंट नंबर यहाँ पे टाइप करना होगा। अगर इंटरमीडिएट बैंक है, अगर मान लीजिए कोई बड़ा बैंक के अंदर आपका छोटा बैंक पड़ता है, मतलब गांव में आपका बैंक है या आपका छोटा शहर में बैंक है पर उस बैंक में स्विप कोड नहीं है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट बैंक ऐड करना पड़ेगा। तो स्विप कोड कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे आपको घर में बैठ के आप पता कर सकते हैं आपका बैंक की ब्रांच का जो स्विप कोड क्या है, तो उसके लिए मैंने अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं, आई बटन पे दे दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए बाय बाय, टाटा।